हाँ ऐसे खड़े रहो भाई, तुम्हें अच्छा चला जी, इधर 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 लेफ्ट में देखिए, यहाँ पे चला जी, इधर सोनिया जी, इधर इधर कैसे हो? रुकिए 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 सोनिया जी, कैसे हो सोनिया जी? आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, सब बढ़िया है। ए बस दूर से, बस बस अरे ऊपर चलो, सेंटर एक मिनट, एक बस आपका भी सॉन्ग आ रहा है सोनिया जी, कब तक आएगा? वैलेंटाइन डे को रिलीज होगा और उससे पहले 14 किसके साथ में? आप सोलो है क्या? वरदान वरदान, क्या बात है, आपका सॉन्ग का ज्यादा वेट है, आपके सॉन्ग का ज्यादा वेट है, नीचे क्या कर रहा है? बोलना चाहिए था कि मैं आने वाला हूँ तो शायद और लोग इकट्ठे हो जाते, बट बहुत भीड़ थी, पूरा गोविंदगढ़ जाम हो रखा था और सारे मेरे घर पे आए और सबने एक एक करके फोटो खिंचवाई। मैं सुबह 4 बजे सोया हूँ सबके साथ फोटो क्लिक करके, मेरे पापा ऐसे खड़े थे कि सबके साथ खिंचवा, सबने एक एक वोट डाला मेरे को, तो मैं सबके साथ पिक्चर क्लिक करवा रहा हूँ, अच्छा लगा। मेरे लिए बहुत ही अलग मोमेंट था क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था, ऐसा सब पर हुआ ये, और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जय माता दी, जय श्री राम, जय माता दी कि मैं यहाँ तक पहुँचा और मैं आगे मेहनत करता जाऊँगा और आगे बढ़ूंगा। अभिषेक बहनों का क्या रिएक्शन था आपसे हग करके? बहुत इमोशनल हो रहे थे वो, क्या कहना? वो मेरी सिमरन दीदी थी, वो मेरे उडारिया में मेरी दीदी प्ले करती थी, तो मैं उनको दीदी ही बोलता हूँ, और मेरी माँ जो प्ले करती थी उनको मैं माँ ही बोलता हूँ, तो वो लोग भी आए थे, मुझे नहीं पता था वो लोग आ रहे हैं, तो मैंने उनके पैर छुए, हग किया, वो लोग बहुत प्राउड थे, प्लस मेरी रियल सिस्टर, मेरी रियल मॉम, वो लोग भी बहुत प्राउड थे, तो बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभिषेक भाई पैर वाला स्टाइल है आपका, पैर वाला? हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, नहीं नहीं थैंक यू थैंक यू, इट्स ओके, आपको मिल गया। कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं।
बस 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 आयशा जी हेलो। हाँ जी मैं बस नीचे आ रही हूँ। क्या बात है साथ में सर हमको कॉल है भाई लाइट विजुअल ले लेते हैं यहाँ आ जाइए यार। देखो अभिषेक और हमारा जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं अब ज़्यादा अभी भाई चलने का है कि जब अपना घर का कोई फैमिली मेम्बर सक्सेसफुल होता है या यू फील गुड अच्छा करता है लाइफ में वी फील गुड वी फील एक्साइटेड या यदि आपके होम एरिया में खास आपके एरिया में So what are you asking exactly? Okay, I don't know. That's good, yeah, मुझे पता नहीं इस बारे में ऐसा कुछ हुआ है आई डोंट नो सॉन्ग शूट हुआ था वो पता है बट कहाँ हुआ है वो नो आइडिया हाँ सॉन्ग शूट हुआ था ये मालूम जैसे ही ऐसा कुछ होगा आपको न्यूज सबसे पहले मिलेगी ओके लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया अभिषेक को लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक ने एक इंटरव्यू में कहा कि आप तो टॉप मैं तो टॉप टू में हूँ आप नहीं आपने देखा चलो हाय To the Big Boss contestants, reunion party. Yeah, the reunion is bahut acha. I'm very happy to see everybody, especially Abhishek, as you know. Yeah. And it's very nice to see everybody. It's like a family. So I'm very happy to see everybody. Very good. Okay. So did you have a word with Abhishek regarding whatever? I know. I need to go and do it now. I just arrived like 10 minutes ago. I'm just settling in, but. I was very happy to see him. He was very happy to see me. So let's see what happens. Munawar Farooqi's new song is coming. What do you want to say then? Of Munawar is coming. Yes. Of course, Munawar. He's very good. He played the game very well in Big Boss, and I'm very happy to see him again. And I'll see him again in the next day or so for the Big Boss finale party also on the 9th. Also, you are exploring Mumbai. Yes, I know. I'm going around Mumbai learning more about the culture, hopefully trying to improve my Hindi. But I think a lot of my followers and audience, they like it. You know, I'm like the Big Boss international contestant exploring Mumbai. And I really enjoy it. It's very good. Bahut acha. So next party is on 9th of February. Yes, February, yes. What do you have to say? Are you excited for that? Yes, I think 9th of February is going to be very good. I think everybody's going to come together. It's going to be one party. And you know, like Manara says, party vibe. Yes. Finally, you are meeting everyone today. So we would like to know with whom you have, you know, friendship zone or enemy. No, but to be honest with you, I've become good friends with everybody, like Neil, Rinku, Aisha. Even though I haven't been with Aisha in the house, she's still a very good friend of mine.
So I'm happy to see everybody. I have no problem. Everybody's very good. We're like family. Yes, I know. I'm very excited to see the video with Abhishek and Manara. I think they're beautiful together. And I just hope Manara doesn't take him away from, you know, from me, you know, with Abhishek. And I'm very proud of them. They're very deserving and I wish them the best. Thank you so much, you guys. Thank you. Thank you so much. This is our last song, Desi Music Factory. The song is Samre. Release ho raha hai 12th ko aur poster hum dono ke insta pe aur sare social media pe chhaya hua hai. Bahut romantic hai. Teaser aayega to socho main aur Abhishek ko aapne itna jo main Big Boss mein romance nahi kar paya maine baal pe mike pe to aap dono hum sab ko aap dono hum sab ko bol rahe hain bhai 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 आप एयरिंग बहुत अच्छे लग रहे हैं पे अच्छे है ना एयरिंग मुझे पता था मैंने डिसाइड करे जी सेंटर यहाँ पे जी यहाँ पे भी यहाँ पे सेंटर सेंटर पार्टी तो धमाल करने के लिए होती है एंड यस आई एम वेरी हैप्पी टू मीट अभिषेक यार इट्स बीन अ वाइल फिनाले में आई थिंक मुश्किल से 2 मिनट मिले थे स्टेज पर ज़्यादा देर बात नहीं कर पाया था एंड उसके बाद डायरेक्टली आई थिंक घर के बाद डायरेक्टली अभी मिल रहा हूँ प्रॉपरली अभी मिला उसे एंड या आई मीन वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम घर में तो काफ़ी फाइट हो गया बाहर कुछ ऐसा होने वाला है या क्या पार्टी होने वाला क्या होने वाला इधर आपको बिग बॉस की आवाज़ सुनाई दे रही है नहीं ना इधर कोई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है तो क्या कुछ डांस करने वाले हो या जो हो गया बिग बॉस कुछ नया बिल्कुल मतलब म्यूज़िक बजेगा डांस करेंगे यार सब डांस करेंगे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट मेरे जितने भी हमारे जो ग्रुप वाले थे वहाँ पर अभी आए हैं सब मिले हैं उन्हीं से मिलकर आ रहा था तभी आप लोगों ने बुला लिया तो मैं आ गया बाहर आई होप जल्दी ऐसा कुछ हो जाए आपके मुँह में घी शक्कर यार जी आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम एंड कंग्रेचुलेशन टू देम सीरियसली ऑल द बेस्ट मैंने उसको अंदर बोला था मैं तेरी कॉमेडी का परपेचुअल फैन हूँ मतलब इस तरह से मैंने उसको बोला था वो जो एटलीस्ट शो में जो करता था इसके पहले मैंने उसका एक भी काम देखा नहीं था पर शो में जो भी उसने आई डोंट नो कितना दिखाया आप लोग को पता नहीं लेकिन उसने जो हमारे साथ बैठ के जो वो जोक्स मारता था वो कमाल के थे यार इमेंस फैन फॉलोइंग दे हैव एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम सीरियसली बहुत आई थिंक इट रिक्वायर्स इमेंस अमाउंट ऑफ टैलेंट जब इतने लोग आपके फैंस होते हैं सर आप
सर एक बात बोलिए, अंकिता और आपका अभी जब निकले आपका अंकिता से मुलाकात हुआ, किस तरह के बोलने लगे आप लोग? काफी सारे मतलब एक दूसरे को मतलब फाइट कर रहे थे, तो क्या अभी तक कोई मुलाकात हुई नहीं है? अभी तक बना ही नहीं है। आई थिंक घर से निकलने के बाद सब बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो आई थिंक कोई अभी तक वैसे प्लान बना नहीं है। अभिषेक ने खतरों के खिलाड़ी, कहीं ना कहीं ये खबर आ रही है कि अभिषेक को मना रहा खतरों के खिलाड़ी, यू नो शो एक्सेप्ट किया है उन्होंने, उनका जो प्रपोजल था, तो क्या इस बार नील देख सकते हैं लास्ट सीजन में ऐश्वर्या थी? तो आई डोंट नो यार, आई नॉट येट डिसाइडेड एंड अभी तक मुझे ऑफर भी नहीं हुआ है, तो आई डोंट नो। एक बात उठानी नहीं, आप लोगों ने लग रहा था अच्छे जोड़ी खेले था, आप ऐश्वर्या खेले था, आप काफ़ी जल्दी निकाले हैं, मतलब तो इस तरह लग रहा है आपको? आई थिंक 11 हफ्ते गुड अमाउंट ऑफ टाइम होता है, रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम आई कैन से, सो वी आर हैप्पी विद आवर जर्नी। कुछ लोग बोलते सेटिंग था बिग बॉस का, सही ना सेटिंग था बिग बॉस? किसके साथ आपको कॉल आया था? आपने सेटिंग किया था बिग बॉस के साथ? क्या मतलब खाली कॉन्ट्रोवर्सी के लिए आपको सवाल पूछने बस? आप उसको पूछिए जिसको लगता है जिसकी सेटिंग हुई है, आप मुझे मत पूछिए। अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ आप कर रहे हो? जैसे होगा आपको पता चल जाएगा, टेलीविजन शो करने का इरादा, जैसे ही कुछ साइन करूंगा आपको पता चल जाएगा। तो सबके म्यूजिक एल्बम आ रहा है, आपका कब म्यूजिक एल्बम देखने को मिलेगा? नहीं मतलब आप कब गाना गाओगे? आपके गाने के ऊपर म्यूजिक वीडियो बनाता हूँ मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रीति, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। एक बार और भाई, आगे भाई इधर इधर अभिषेक के लिए अभिषेक को सोनिया जल्दी निकल गई यार, इसको लाइन मारना था, हमें देख के वो नहीं हो पाया। सो अभिषेक तो हमेशा ही ब्यूटीफुल गर्ल्स के आसपास रहते हैं, ये बिग बॉस के बाद हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। और अभिषेक के लोग एक हाउस नॉट मोर देन यू ब्यूटीफुल, इंग्लिश सीख के आए अंदर से मैं। That's Abhishek for you all. अब आपको पता चला हम लाइव कैसे होते हैं, घर के अंदर सोचो कितना मस्ती मारते हो और थोड़ा सा लड़ते हैं। बहुत लड़ रहा है, हम सेट पे भी लड़ पड़े थे कल। हाँ, ऑलमोस्ट बिग बॉस वाली बातें हो रही थी वहाँ पे, हमें फील आ रहा था बिग बॉस का थोड़ा सा। बट आप सांवरे प्रमोट करो, हमारा सांवरे गाना आ रहा है, इतना बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इनके गाना देखें, अभी कितने दिन बाद ये बाहर निकल के आए, कैसा लगा होगा पहुंच ही गए, बहुत मजा आया और बहुत लोग आके पूछ रहे थे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, हम बता नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है, बट बहुत अच्छा शूट हुआ, एक्चुअली बहुत अच्छा शूट हुआ है और बहुत ही रोमांटिक है, रोमांस और इनफैक्ट रियल रोमांस निकल रहा था मेरा मनारा के साथ, तो प्लीज देखना 12 तारीख 9th को टीजर आ रहा है और 12th को रिलीज हो। अच्छा भाई इधर फोटो ये आपने तीसरी बार मुझे लगता है इनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ना, इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता, मनारा से पूछिए, मनारा जा रही है, मनारा जा रही है। ऑलरेडी बिग बॉस के घर में काफी खतरों वाले खिलाड़ी थे
जिनको मैं देख रही थी और उनके बीच में से निकल निकल के आगे तक पहुंची हूँ। तो अभी थोड़ा मुझे पार्टी करने दो और बाकी पार्टी के बाद बताऊंगी नेक्स्ट के बाद। पार्टी के बाद वाइब के बाद बताएगी कि मनाराज वाइब जो चल रही है वो खतरों में जाएगी या नहीं। अभी एक खतरे से निकली हूँ यार बिग बॉस के, अभी एपिसोड्स तो देखी हूँ अपने सारे, क्या किया मैंने। देखो पहले मुझे बोल रहे थे कोई भी नहीं, अभी आप तीन तीन नाम जोड़ रहे हो, कहाँ मेरी उपलब्धियाँ कहाँ पहुँच गई। नहीं नहीं सर अभी कोई भी नहीं है, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि मैं इनको डेट कर रहा हूँ, इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे मनारा आप खाली है, आपको मैं पसंद हूँ, मनारा को चाहिए, मनारा को मैं पसंद नहीं हूँ। देखो जो भी मुंडा पंजाबी विच गल करता है मनारा आधी फ्लैट ते वैसे ही हो जाती है, ते ये तो साडा पंजाब का शेर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बोली सेम है, बाकी आप देख लेंगे। बाकी मैं इन्हां दी मम्मी नाल गल कर ली। ओहो माय गॉड, नहीं नहीं की गाना कब रिलीज होना उसके बारे हो गया। अभिषेक अभिषेक आपके वेल विशेस, जिससे आपने आपकी करियर की शुरुआत की थी उड़ारिया शो से, क्या वो प्रोड्यूसर आ रहे हैं? रवि सर को मैंने बोला था बट आई थिंक वो बॉम्बे में नहीं है, अभी कॉल करता हूँ उनको आ जाए। तो मैं सरगुन जी को वो सेट पे मिला था, कल मैं सरगुन मैम को मिला तो वो भी बहुत खुश थे, आ जाए तो अच्छा ही है। जी जी जी, चलो गाइस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी। स्टैंड अप कॉमेडी आते के साथ मुझे डालने का मौका मिला और जब भी इतना प्यार आता है, ट्रेंडिंग ट्रेंड कर रहा था वीडियो, तो और भी खुशी है। थैंक यू सो मच। पहले से कितना अलग एक्सपीरियंस था ये वाला इस बार के स्टैंड अप कॉमेडी में आपके लिए, इस बार आपके फैन फॉलोइंग पहले भी थी लेकिन इस बार कुछ अलग लेवल, कितना अलग एक्सपीरियंस था? वो स्टेज मेरे लिए हमेशा इतना ऊपर रहा है कि वो कभी नीचे नहीं आ गए, तो हमेशा मेरे लिए वो सबसे ऊपर रहा है। तो स्टेज पे जब भी मैं जाता हूँ, जैसे मैं पहले दिन स्टेज पे गया था वैसे ही फील हो रहा है। सॉन्ग लॉन्च हो गया, पोस्टर पोस्टर मैंने नहीं देखा जेन्युइनली, आज मैं थोड़ा ऑफ था सोशल मीडिया बट मैंने देखा नहीं है, बट अभी जाके मैं पक्का देखूंगा। अभी दिखा ना मेरे पास उसे आज डिलीट कर दिया मैंने। मनारा क्या सोशल ओ ब्रो क्या बात है, नंबर ऑल द बेस्ट मेरे भाई को, बहुत ज़्यादा प्यार और बधाइयाँ। और ये गाना मैंने सुना है ऑडियो, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग। अबीरा का सॉन्ग आने ही वाला है। अबीरा क्या होता है? अच्छा ये और मनारा, अबीरा का सॉन्ग, अबीरा वैसे मनारा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने देखा अभिषेक का और मनारा का वीडियो, दोनों को ऑल द बेस्ट और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। मनारा के लिए वेट कर रहे हैं लोग, हाँ तो वेट ही करने दो, वो वेट ही रहेगा। नहीं नहीं मतलब मैं ऑलरेडी बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस वगैरह है जो ऑलरेडी प्लान है, शूट भी है, तो अब वो देखते हैं कब रिलीज हो रहे हैं। भाई अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं, मुनव्वर इनका यही क्वेश्चन, वही सोचा मैं, मतलब कोई पूछ क्यों नहीं रहा है वाला सवाल। जी 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 जी, बना रहे कुछ, रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिहर्सल्स भी चालू है, सब कुछ चालू है, तो बस बना रहे कंटेंट, बना रहे ऑडियंस को देने के लिए बढ़िया वाला। मुनव्वर आपके साथ जब भी आप स्पॉट हो रहे हो तो कोई ना कोई यू नो एक मुंबई पुलिस से स्पॉट हो ही रहा है आपके साथ, बट कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि मुनव्वर पुलिस की हिरासत में आने वाले हैं और ये सब गलत अफवाह है, फैमिली तो क्लियर दिस एयर। आपने तो बोला गलत अफवाह है, क्लियर। मुनव्वर आपको मनारा के साथ नहीं देखा जा रहा बिग बॉस के बाद, आप दोनों के बीच में कुछ फाइट? अभी तो अंदर थे हम लोग, 105 दिन रहने के बाद जब बाहर आते हो बहुत सारा एक डिफरेंट अटेंशन है, डिफरेंट लोग है, अपॉर्चुनिटीज है, काम है, तो आपको ऐसा लगता है कि हम बाहर भी निकले तो मिले, ऐसा नहीं होता है। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, अपना अपना काम कर रहे हैं और वही करते रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए लोगों को। ज़्यादा मिलेंगे तो लड़ाई ही होगी, बिग बॉस ही बन जाएगा। 105 दिन साथ में थे, अभी नहीं मन करता एक दूसरे को देखने का। थैंक यू।
मिलते रहेंगे इस तरह का कुछ भी शो इवेंट होता है या कुछ भी काम रहा तो मिलते रहेंगे ऐसा है, बट सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। अभिषेक तो मुझे, मैं और अभिषेक 2-3 बार मिलने की कोशिश की बट नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ द शेड्यूल, बट इट्स ऑल चिल। अभिषेक नहीं आ सकता मेरे घर पे क्योंकि उसको क्या है भाई, क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या है, 40 फ्लोर तो वो नहीं चढ़ पाएगा। मुनावर भी अंदर रहे, कितना एक्साइटेड थी और कितना एंटरटेन किया होंगे सबको मिलके। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत एंटरटेन थी एंड अभी सबको मिले बहुत दिनों के बाद। सबके साथ इतने दिन घर पे रहे हैं, ऑफकोर्स एक आदत हो जाती है सबको रोज सुबह उठ के देखने की बिग बॉस के मॉर्निंग प्रेयर के साथ, बट अभी आज सबको इतने दिनों बाद देखा तो बहुत 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 मजा आया। जल्दी सबको अपने घर में बुलाऊंगी। मुनावर के साथ आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? अभी तो मेरा अभिषेक के साथ प्रोजेक्ट आ रहा है सावरे विद देसी म्यूजिक फैक्ट्री। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप उस गाने को सुनिए और बहुत सारा प्यार दें क्योंकि आप मनारा को तो बहुत प्यार करते ही हैं। तो उसका पहला गाना आ रहा है, इट इज अ रोमांटिक सॉन्ग, तो आई होप आप सबको बहुत मजा आए वो गाना देख के। 12 तारीख को रिलीज भी हो रहा है तो गाइज अपनी रील्स बनाने के लिए तैयार आ जाओ, तैयार हो जाओ क्योंकि राजा वैलेंटाइंस डे के लिए रेड पहनना तो बनता ही है। आपका वैलेंटाइंस कौन है? आपका वैलेंटाइंस कौन? मेरा वैलेंटाइन मैं बता दूंगी वैलेंटाइंस डे को कि मेरा वैलेंटाइन है। और बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलके। सावरे आ रहा है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, मैं तो ऑलरेडी मूड में हूँ। आपको पता है घर के अंदर दिवाली और क्रिसमस कितना मनाया था, तो वैलेंटाइंस की तैयारी से है एंड वैलेंटाइन डे इज कमिंग। Savre is coming for all of you. Watch Savre and give it all your love. It's coming on Desi Music Factory. Because I'm also Desi and Desi Music Factory. So we both got to meet, right? Yes! Okay? Bye! 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 वही नहीं जा रहे बाय सबको बाय 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 थोड़े अच्छा लगे थैंक यू थोड़ा हां अभी ठीक है ऐसा ना यहां पे देखो आयशा जी यहां पे क्या बात है यहां पे ओके बाइट करते थैंक यू सो मच थैंक यू। क्या चाहिए आपको बाइट में? चलने वाला ये चाहिए कि यहाँ पे आए हो अभिषेक के साथ पार्टी में आए हो, क्या करने वाले हो अंदर? मैं जस्ट अभिषेक के ग्रोथ से बहुत खुश हूँ और मैं उसको सिर्फ कंग्रेचुलेट करने आई हूँ। एंड मैं शूट पे थी बट मैं कल ही वापस आई एंड बिकॉज इट वॉज अभिषेक इसलिए मैं आज यहाँ पर आ गई, वरना मैं बहुत थकी हुई थी ना आ पाती, बट अभिषेक के लिए आ गई। सरप्राइज है बट आई गिव यू अ हिंट, इट्स अ सॉन्ग, इट्स अ स्पेशल सॉन्ग इन अ फिल्म इन द साउथ। सो
आयशा जी कुछ आप बताना चाहिए, ऐसी खबर आ रही है साउथ में आप कोई फिल्म कर रही है। साउथ में तो मैं पहले से फिल्म करी थी, हाँ साइन किया आपने कुछ, एक सॉन्ग कर रही हूँ मैं, एक स्पेशल सॉन्ग एंड इट्स इन द फिल्म गैंग्स ऑफ गोदावरी, सो इट्स अ स्पेशल सॉन्ग, सो आई जस्ट होप जब रिलीज होता आप सभी को बहुत पसंद आए, बहुत मेहनत की मैंने, आई स्वेयर कमर टूट गई मेरी करते करते डांस। आपने पोस्ट किया था बुनावर के फैंस लगातार आपको गलत तरीके से बोल रहे हैं, नो क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, एलवी शादम नो क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, उनके फैंस ने कुछ गलत बोला है, क्या कहना चाहिए उसको लेके आप? नो क्वेश्चंस, आई हैव नो क्लू अबाउट इट एंड सॉरी, नो क्वेश्चंस, बुनावर से मुलाकात हुई कि नहीं? नो क्वेश्चंस अबाउट इट। नो नो, अच्छा ये जानना चाहेंगे बिग बॉस के बाहर आने के बाद लाइफ कितनी चेंज हुई है और कितना कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कितना सक्सेस मिल रहा है? काम वाइज तो जो पहले काम छोड़ कर गई थी, जो थोड़े अधूरे कमिटमेंट्स थे वो पूरे कर रही हूँ फिलहाल, नए काम आ रहे हैं बट मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हूँ चीज़ों को लेके, तो बस अच्छे और बड़ी चीज़ का वेट कर रही हूँ। सुनने में आ रहा है कि आप बहुत, सुनने में कहाँ से आ रहा है आपको ये बताओ पहले मुझे, ये जो आप सुन रहे हो मुझे आप याद हो बहुत अच्छे से याद हो, कहाँ से सुन रहे हो ये सब? बहुत सारी खबरें आ रही है कि प्रोजेक्ट मिल रहे हैं आपको, अच्छी बात है ना, आपको तो खुशी होनी चाहिए। और एक फोटो भी वायरल हुआ था, पार्टी हुई थी उस पार्टी विक्की भैया के साथ, यार गेट टुगेदर था यार, छोड़ दो यार उस टॉपिक को प्लीज। नहीं लेकिन पार्टी में क्या हुआ था कुछ अगर? कुछ नहीं, हम सब विक्की भैया जस्ट एविक्ट हुए थे, तो शो से रिलेटेड, एविक्शन से रिलेटेड, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन डे टू डे लाइफ वाली। नहीं एक्चुअली मेरी बात ही हुई बट जहाँ तक मैं जानती वो बिलासपुर में है। ओके, डे बाय डे आप बहुत ब्यूटीफुल होती जा रही है। अच्छा पहले नहीं थी? नहीं मतलब हर रोज नए मतलब नए ड्रेसेस में आप, थैंक यू, और सोशल मीडिया, अभिषेक का एल्बम आ रहा है, हाँ और आज ही मैंने पोस्टर देखा अभिषेक और मनारा दोनों का, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में, एंड रियली वेरी एक्साइटेड टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर। कंपटीशन तो नहीं है कौन सा कंपटीशन? ये दोस्तों से कंपटीशन थोड़ा ना होता है यार, क्या बात कर रहे हो। अच्छा आयशा, अगर आपको ये ना अपॉर्चुनिटी मिले दो लोगों में से किसी एक को चूज करने का फॉर म्यूजिक वीडियो एज एन अभिषेक एंड मुनव्वर, आप किसे चूज करोगे? आई वोंट लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन, एज एन आर्टिस्ट आई कैन वर्क विद एनीबॉडी, आई डोंट माइंड। क्या मुझे बताइए कि मुनव्वर के साथ अभी कैसा रहना? आई डोंट वांट आंसर दैट क्वेश्चन। बोल दिया ना यार बार बार, क्या यार एक ही सवाल को बार बार बोल रहे हैं। मैं एक्चुअली शूट पे थी, शो के बाद मैं हैदराबाद में थी, आई एम सो सॉरी, मैं हैदराबाद में थी, तो आई थिंक सबसे ज्यादा मैं आप ही लोगों से मिली हूँ, सबसे ज्यादा मुलाकात मेरी आप लोगों से हुई है, और बाकी अभी अभिषेक से मिली हूँ, ज्यादा लोगों से मिल नहीं पाई, बट आई एम होपिंग टू सी एवरीबॉडी हियर टुडे। हो गया, इट्स ऑल चिल, इट्स ऑल कूल, शी इज रियली अ नाइस गर्ल, शो में थोड़े यू नो वैसे सिचुएशंस और सरकमस्टेंसेस होते हैं, बट शी इज अ नाइस गर्ल, आई एम होपिंग टू सी हर टुडे हियर। आखिर में वाकई फेवरेट कौन सा सॉन्ग पर डांस करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आप? आप बताइए किस गाने पे डांस करना है, मैं कर लूंगा। किस तरह की आप लोग ट्रेनिंग बैठे हैं, कोडिंग बैठे हैं दोनों से? चुनरी चुनरी, ठीक है जिस गाने पे बोलेंगे आप मैं डांस करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अभिषेक भाई, अभिषेक भाई, अभिषेक भाई, अभिषेक भाई, अभिषेक भाई, अभिषेक भाई, भाई पीछे से आ रहे हो, मचा दे पीछे, पीछे पीछे पीछे, अभिषेक भाई थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो, अभिषेक भाई बस 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 बस, तुम आगे मत जाओ यार, अरे आगे मत जाओ ना यार। थैंक यू बस, अरे एक मिनट भाई 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 रुक जाओ, अभिषेक भाई, अभिषेक भाई, बस बस भाई भाई फैन बहुत है, फैन को छोड़ दो, अरे यार ऊपर मत पीछे अब निकल ले तो भाई भाई थोड़ा नहीं जाने दे
चलो चलो आगे से थोड़ा जाने दो भाई। अरे तू तो निकल यार, कोई फंसाएगा वहाँ। अरे भाई 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 अभिषेक नौर भाई पता चला मीडिया से आप नाराज हो? मीडिया से आप बहुत नाराज हो? आप नाराज हो? भाई पानी है इधर, पानी पता नहीं भाई हमको सच्ची ना यार जान होगा सब हो गया ना भाई। कितना कितना भाई की पार्टी स्पेशल रहेगी पार्टी में भाई आप दोनों का फोटो नहीं हुआ एक साथ साथ में साथ में कर लेते ना, साथ में नहीं हुआ। यहाँ देखिए इधर घूम जाइए, यहाँ देख ही नहीं रहे आप। Namaste India, love you. Love you. Al Habibi. See you soon, guys. See you Thursday for finale party. Yes. How was the party? Good. Munawwar Abhishek. Acha, bahut acha. Manara? Manara, yes. She's my baby. I love her. Aisha? Aisha as well, very nice. We partied. Hopefully pictures should be out soon. Yo. Thanks. So no worries. Did you enjoy the part? Did you guys go no, in? No. Thank you. Yeah, thank you. हम लोग तो मिलते ही नहीं, हम क्या thank you बोल रहे हैं? जिगना जी आइए ना, जिगना भाई आजा। इधर इनके साथ, अरे बुला रहे हैं इनके साथ में, एक साथ में, साथ में, साथ में। अरे कैमरा से पीछे लो। बाटा शोरूम के बाहर आने चलो। थैंक यू जान दो।